नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे संतुलन की लगन, संतुलन की राशि, न्याय प्रिय लगन, न्याय प्रिय राशि, सुंदर लगन, सुंदर राशि, जो संसार की चमक धमक है आप लोगों से है, जो संसार में कला है ना, वो आपके लोगों की वजह से है। आप लोग शनि को उच्चता प्रदान कर देते हैं और युगो जिनको है उनको निचता प्रदान कर देते हैं। आपके बर्थ चार्ट पे सूर्य देव गोचर करने वाले हैं, गोचर करने वाले ने गोचर कर चुके हैं, आज प्रातः काल ही गोचर कर चुके हैं। तो 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य नारायण तुला राशि में होंगे। तो तुला राशि में सूर्य नारायण क्या फल देंगे, सूर्य नारायण क्या लाभ देंगे, सूर्य नारायण क्या देंगे नुकसान, सूर्य से क्या कैसे आप उठा सकते हैं अधिक से अधिक मात्रा में लाभ, इसी बात की चर्चा इस वीडियो पे होगी। तभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्र, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बातें नक्षत्र के अनुसार होगी, सिर्फ राशि और ग्रह पे नहीं, नक्षत्र पे। इतना टू द पॉइंट आपको वीडियो अन्यत्र कम मिलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं अकेला काम करने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी इस समय यूट्यूब जगत में है, लेकिन उससे ज्यादा फ्रॉड है, फ्रॉड से बच के रहिएगा। जो बोलेंगे कि ये पत्थर लगा लो पैसे बरसेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक पत्थर आता है पायराइड, क्या आता है पायराइड। एक सज्जन जो थे वो हमें दे के गए, बोले गुरुजी इसको चेक करिए, ये है पायराइड, ठीक है? इसको यूट्यूब जगत में बोलते हैं कि इसको आप लगा के रखो तो धन बरसता है। हमने कहा कुछ चीज़ें बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। हमने भी इसको 2-3 महीने से रखा है, भ्रम में मत रहिएगा। अगर पायराइड लगाने के बाद मेरे घर में धन बरसेगा ना, तो मैं आपको कभी बताऊंगा ही नहीं। संसार का ये नियम है कि हम अकेले धनवान हो, अगर मेरा बस चले, मतलब मेरा मतलब सेंस ये नेचर है, तो मैं ये सारी संपदा को बटोर के रख लूँ। ये संसार में मनुष्य मात्र का नेचर है। इस तरह के जितने लोग होते हैं ना, व्यूज बढ़ाने वाले हैं, इनके भ्रम में मत रहना। ये उपाय कर लो, ये इलायची दबा दो, ये लौंग खा लो, ये 7 चीज़ें मिला के दबा दो, दुश्मन नष्ट, और 21 दिन में जितना पैसा, ऐसे ऐसे लोग हैं बोलते हैं 21 दिन में जितना करोड़ों मांगना है प्रकृति देगी, नेचर देगी। मतलब बोलने के पहले खुद शर्म किया करो मेरे भाई, ऐसे ऐसे बोलते हैं, इनसे बच के रहना। सूर्य नारायण आपके लगन में आएंगे तो आपके तेज की, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे, आपको ऊंचाई प्रदान करेंगे। सूर्य आपके उच्च के हो, सम राशि हो, नीच के हो, लगन में होंगे तो मान सम्मान तो डेफिनेटली मिलेगा मिलेगा। इसलिए मान सम्मान प्राप्त करने के लिए आज से खड़े हो जाइए। पहले चित्रा नक्षत्र में चलेंगे। चित्रा का मतलब है बैलेंस करके चलना, आपको परिस्थितियों में बैलेंस बना के रखना होगा। उसके बाद ये स्वाति में चलेंगे। स्वाति कट करके चीजों को ठीक करता है। जो स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखिए, ठंडी पड़ रही है, मुझे प्रातः काल नहा लेता हूँ 5 बजे ही, तो इसलिए थोड़ा सा मौसम की खुमारी आ रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा मित्रों, सूर्य ईगो के प्रतीक है। सूर्य मैं ही सही हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, यह अहम है, मैं भी कर सकता हूँ, यह आत्मबल है। सूर्यदेव आपके लाभ के स्वामी है, तो लाभ के स्वामी लगन में आ रहे हैं, डेफिनेटली लाभ होगा। पहले पॉइंट में क्या लाभ होगा, चित्रा, चित्रा मतलब मंगल के नक्षत्र में, मंगल का मतलब सेना में, प्रशासन में, अधिकारीगण, पराक्रम का काम करने वाले लोगों से आपको लाभ होगा। सूर्यदेव आपके लाभेश हैं, लेकिन नक्षत्र में चल रहे हैं व्यापार के, तो व्यापार से लाभ होगा। धन और व्यापार का स्वामी मंगल के नक्षत्र में, इसलिए व्यापार से धन अधिक मात्रा में कमाने के योग बनेंगे। स्वाति नक्षत्र में थोड़ा सा दबाव बनेगा। स्वाति में सूर्य नारायण नीच के होते हैं, नीच का होने का मतलब मैं ही सही हूं, मैंने कह दिया तुमने क्यों नहीं किया, मेरी बातों को पलटने वाले। अगले ने कहा कि सर मैंने सोचा, तुम कौन होते हो सोचने वाले, बड़े मजे की बात है, ठीक है? एक बार हमारे साथ ही ऐसा हुआ, हमने कहा कि इन लोगों ने सोचा ऐसे करना चाहिए, तो उसने जो सीनियर अधिकारी, उन्होंने कहा आप लोग सोचने के लिए थोड़ी ना बने हैं, सोचने के लिए तो मुझे गवर्नमेंट पैसा दे रही है। मतलब ये ईगो है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह का ईगो टकराएगा, इसीलिए तुला राशि में सूर्य को नीचता मिल जाती है। आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, मैं ही सही हूं, देन आप गर्त में गिरोगे, इसलिए ईगो मत टकराना मेरे मित्र। आप भी सही है, हम भी सही है, मैं ही ये काम कर सकता हूं, मैं ही कुंडली बना सकता हूं, मैं ही ज्योतिष का काम कर सकता हूं, ये सिर्फ ईगो है।
मैं भी कर सकता हूँ मित्र, मैं भी अच्छा कर रहा हूँ और लोग अच्छे कर रहे हैं, यह क्या है? आत्मविश्वास है। तो अगर आप ईगो में रहोगे तो आपका सर दर्द होना शुरू होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, पिता के वाणी में तकलीफ आएगी, बड़े भाइयों से संबंध खराब होंगे, सरकार के लोगों से संबंध खराब होंगे। इसलिए ओम इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः। या 13 दिन जब स्वाति में होंगे तो आपके आय के क्षेत्र में रुकावट आएगी, जहाँ से पैसे मिलने होंगे वहाँ से पैसे मिलने में विलंब होगा। आप चाहोगे कि आपके पैसे ना मिले? अगर आप चाहते हैं कि पैसे ना मिले तो वीडियो छोड़ के चले जाइए। पैसे अगर आप चाहते हो कि बने रहें, पैसे आते रहें, अवरोध ना उत्पन्न हो, तो एक परिहार बता रहा हूं, करते जाना, अवरोध उत्पन्न ही नहीं होगा। ठीक, 24 से स्वाति में जा रहे हैं सूर्यदेव, लाभ के स्वामी होके राहु के नक्षत्र में। राहु चमचा है, राहु द्विभाषिया है, राहु बीच में बिचौलिया है, राहु काम कम करता है, शॉर्टकट ज्यादा मारता है। तो ऐसे लोग आपके बीच में काम में रुकावट डालेंगे। इनको क्या है, थोड़ा छोटे छोटे जो पदार्थ होते हैं ना, जैसे बीड़ी, तम्बाकुल, इस तरह की चीजें आप दे दीजिए, 2 समोसा खिला दीजिए, 1 पेप्सी दे दीजिए, 13 दिन में थोड़ा थोड़ा करके 5-6 दिन तो दे ही दो, चीजें बेहतर होंगी, अवरोध नहीं आएगा। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देते रहो। 25 को पुष्य नक्षत्र आ रहा है, पुष्य नक्षत्र में एक दीपक में घी डाल के, गोल बत्ती लगा के, थोड़ा गुड़ डाल देना और सूर्य नारायण के लिए दीपक लगाओ 45 मिनट तक। आप देखना नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आएगी, सिर्फ पॉजिटिविटी आएगी। हाँ, अगर आप इन चीजों को नहीं करते हो ना तो थोड़ा सर दर्द आएगा, थोड़ा ईगो आएगा, थोड़ा आपको लगेगा मैं ही सही हूं। मैं ही सही नहीं हो सकता सर, अगर आप अपने आप पे ईगो पे लेंगे, लोगों की नहीं सुनेंगे ना, तो फिर जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे सर, जलेबी आप अमेरिका तक बेचेंगे और बाद में आपकी जलेबी आपके प्रदेश में नहीं बिकेगी। ठीक है, तो आनंद के साथ बढ़ते रहिए। बाद में जाएंगे विशाखा, विशाखा मतलब विशेष शाखा, विशेष शाखा में। तो परिहार के तौर पे सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देना, 25 को पुष्य नक्षत्र आ रहा है, पुष्य नक्षत्र पे एक दीपक लगाइए और राहु जनित चीजों का दान करते रहिए। राहु जनित चीजों का लोगों को दान करिए, राहु जनित लोगों को दान करिए, राहु संबंधित चीजों का बेहतर परिणाम होगा। शुक्र के लिए, क्योंकि आपके लग्न है, आपके राशि मौजूद है, सब कुछ राधे राधे। तो द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, पढ़ते रहिए, पिता या पिता तुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिए, परिणाम आपके फेवर में होगा। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना, राधे राधे करते रहना। आपके लिए जय जगदम्ब।